वेलकम टू संडे व्लॉग्स फ्रेंड। इस संडे जो है हमने घर में बहुत सारी सफाई की, तो लेट हो गए, ज़्यादा दूर तो नहीं गए। हम गए एक फूड स्टेशन में जो हमारे घर से कुछ 30 मिनट की दूरी पर है। ग्रीनरी से होते हुए, इस ग्रीनरी को एंजॉय करते हुए हम पहुँचे अपने स्टेशन पर। ग्रीनरी के जो ट्रीज़ वगैरह थे, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मी बहुत पड़ गई है, उसके कारण इनकी हालत भी थोड़ी ख़राब हो गई हुई थी। तो बहुत सारा रास्ते को एंजॉय करते हुए आपस में लॉन्ग ड्राइव, आइसक्रीम वाली वैन जा रही है, तो हम पहुँच गए अपने स्टेशन में। यहाँ पर जो है कुछ 8-10 ब्रांड के जो फ्रेंचाइजी होते हैं खाने वाले, वो शॉप्स हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो हमने सोचा इस बार हम यहाँ खाएंगे। मेरे बेटे ने KFC खाना था, वो KFC चला गया, मैं सागर रतन गई। जैसे मैं कैमरा बाहर निकालती हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरे जो बच्चे हैं वो साइड में हो जाते हैं। तो मुझे तो सागर रतन जाना था क्योंकि मेरा बर्गर खाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो सागर रतन में बहुत सारा साउथ इंडियन टाइप्स का खाना मिलता है, डोसा वड़ा वगैरह और इस तरह से। लेकिन मैंने ये थाली ली, 2 थाली मिलती है, 3:30 बजे बंद हो जाती थी, तो हम तो लेट पहुंचे थे, तो फिर मैंने ये वाली थाली ली। मेरा बेटा रास्ते में सो गया था, तो अभी भी लेजी फील कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्लेस बना हुआ है यहाँ पे। सागर रतन एक अच्छा खासा ब्रांड है खाने का, बड़े शहरों में इसके बहुत अच्छे अच्छे बने होते हैं आउटलेट्स। तो थाली तो हमारी आ गई जल्दी से, बहुत ही अच्छी थाली थी। आपको देखने में छोटी छोटी कटोरीज लग रही होगी, लेकिन जब सारा ही खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं तो सारा खा नहीं पाई, मेरे हस्बैंड ने भी हाफ मील मेरे साथ शेयर किया, उन्होंने भी लिया। तो ये जो इसके साथ पापड़ मिला है, इसको अपलम कहते हैं, तो मैंने सोचा अपलम पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ही टेस्टी था। इसके अलावा इसके साथ 4 पूड़ियाँ थी, 2 तरह के चावल थे, हलवा बहुत ही टेस्टी था, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हुए थे, और ऐसा टेस्टी लग रहा था कि देसी घी में बना हुआ है, क्योंकि जो रिफाइंड ऑयल होता है ना, उसका हलवा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये टेस्टी था। दाल थी, कढ़ी थी, 2 तरह के सांभर थे, एक सांभर एक कुछ और बोलते हैं, रसम बोलते हैं शायद, अचार, दही, मिक्स सब्जी, कढ़ी, ऐसे बहुत सारी सब्जियां थी, आप देख सकते हैं। सारी की सारी सब्जियां बहुत टेस्टी थी, हमने फुल इंजॉय किया, फुल मील अपना पेट भर के खाना खाया। फिर हम गए साथ वाले रेस्टोरेंट में, क्योंकि मेरे बेटे को बर्गर मील खाना था, तो उसने बर्गर मील इंजॉय किया। सब ने अलग अलग चीज़ें खाई, फिर हमने कॉफ़ी मंगवाई, तो बैठे बैठे वेट कर रहे थे। यहाँ पर बिस्टा भी है, तो बिस्टा की कॉफ़ी, सारी टाइप्स की कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी। ये दोनों आपस में पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने तो चोरी चोरी इनकी वीडियो बनाई, क्योंकि ये वीडियो बनवाते ही नहीं है, फ़ोटो भी नहीं खिंचवाते हैं। तो इनकी बातें सुनते हुए, इनका देखते हुए हमारी जो है कॉफ़ी आ गई। फिर हम दोनों ने जो है अपनी कॉफ़ी इंजॉय की, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कॉफ़ी। मेरे बेटे ने थोड़ी सी मेरी वीडियो बनाई, क्योंकि और कोई मेरी हेल्प करता नहीं है। तो ऐसे करते करते हमने अपना दिन इंजॉय किया, फिर हम घर वापस चले गए। और आई होप आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, आपने इंजॉय किया होगा। आप लोग संडे को कहाँ घूमने जाते हैं मुझे जरूर शेयर करके बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।